हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पराठे और धनिया की चटनी की रेसिपी। और इसे बनाने के सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा धनिया ले लिया है, साथ में इसकी जो डंठल होती है ये भी मैंने इसे ले लिया है, साथ में नमक लिया है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 5 से 6 हरी मिर्च है और 5 लहसुन की कलियाँ हैं। तो सभी को मिलाकर एक पेस्ट बना लेंगे और हमारी ये धनिया की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो पहले मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। चटनी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और पराठे बनाने के लिए अब मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 2 से 2.5 कप के करीब आटा ले लिया, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आटा ले सकते हैं यहाँ पर। और इसमें डाल लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो स्टफिंग में भी हम नमक डालेंगे, तो नमक यहाँ पर थोड़ा ध्यान से डालना है। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी मंगरेल, ये डाल देते हैं, साथ में 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अजवाइन, इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से हाथों पे क्रश करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल सा आटा हम इसका लगा लेंगे। आटा मैंने यहाँ पर गूंद के तैयार कर लिया है। 1/2 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और दोबारा से इसे गूंद लेंगे और इस आटे को रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पराठों के लिए स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें डाल लेते हैं तेल। तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब तेल डाल लेते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा और साथ में यहाँ पर 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसके साथ इसमें डाल देंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं 1 मीडियम साइज का प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें डालते हैं सूखे मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार ले लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ही गरम मसाला मिला देंगे। और अब इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू। तो 4 मीडियम साइज के आलू हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मसाले के साथ आलू को मिक्स कर लेना है। साथ में यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिया है और अब इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। तो यहाँ पर ये कसूरी मेथी डाल देते हैं क्रश करके और अब मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक हम इस आलू को भून लेंगे। और यहाँ पर स्टफिंग को मैंने 1 मिनट के करीब भून लिया है। स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है और इस स्टफिंग को निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में, ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए। स्टफिंग को ठंडा कर लेते हैं और यहाँ पर आटे को एक बार अच्छे से दोबारा से गूंद लेंगे और उसके बाद इसकी हम लोइयाँ निकाल लेंगे। स्टफिंग ठंडी हो गई है और यहाँ पर मैंने एक लोई बना ली है। तो इस तरीके से इसे शेप दे देंगे पहले। और इसमें स्टफिंग डाल देंगे जितनी भी इसमें आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ये स्टफिंग ले ली है। तो एक लोई हमारी ये पराठे के लिए तैयार हो गई है। सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे।
तो यहाँ पर एक आलू का पराठा मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, और इसी तरीके से सारे आलू के पराठे बेल कर तैयार कर लेंगे। पराठे को सेकने के लिए मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है, जिसमें थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। थोड़ा सा घी किनारों पे भी डाल देंगे। और यहाँ पर हमारा एक पराठा सिक चुका है, तो सारे पराठे बिल्कुल इसी तरीके से सेक के तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये आलू के पराठे और धनिया की चटनी तैयार है। तो इस तरीके से आप ये नाश्ता ज़रूर बनाएं, अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और मैं दिखाती हूँ पराठों का टेक्स्चर अंदर से, ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई करें, अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब